हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 का। हम अगला वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी, टॉपिक हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने उससे संबंधित कुछ राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चंस भी किए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है वो भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज अब हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, तो आज का हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड है। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे आपके अलग अलग बुक से हमने लिए हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक में से टॉपिक को यहाँ से समझने के बाद क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको चैप्टर टॉपिक क्लियर हो सके। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिरीश और सतीश दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2013 को हमें उनकी कैपिटल दे रखी है जो कितनी है, 5,60,000 और 4,75,000। अगस्त 2013 में उन्होंने डिसीजन लिया कि उनकी दोनों की कैपिटल जो है 5 लाख रुपए ईच होगी, 5 लाख रुपीज़ ईच होगी, जिसके लिए वो अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा है तो निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाता है आपको 31 मार्च 2014 को एंड होने वाले ईयर के लिए। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। देखिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या कहा है हमसे, गिरीश एंड सतीश दो पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है, गिरीश एंड सतीश। हमें उनकी कैपिटल किस डेट को, 1 अप्रैल 2013 को क्या दी हुई है, 5,60,000 एंड 4,75,000। क्लियर। 1 अगस्त 2013 को उन्होंने डिसीजन लिया कि उन दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख एंड 5 लाख। इसके लिए वो जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होंगे कर लेंगे। एडजस्टमेंट दिख रहा है हमें, गिरीश की 5,60,000 है, 5 लाख करनी है तो इस क्या करेगा, 60,000 विड्रू करेगा और इसकी 4,75,000 है, इसको 5 लाख करनी है तो ये क्या करेगा, 20,000 ड्रॉ, मतलब ये पैसा लेकर आएगा। इस चीज़ का वैसे भी हमारे यहाँ पास कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इनके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट जो है वो है 6% पर एनम। अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए देखो अब हमारे पास दो ही डेट है यहाँ पर, केवल कितनी डेट है हमारे पास, केवल और केवल दो डेट। देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले निकालते हैं गिरीश। गिरीश की पहले कैपिटल कितनी है बेटा, 5,60,000 रेट है 6%। और ये 5,60,000 कब से कब तक रही, ये रही केवल 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। कब से कब तक रही, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। कितना हो गया 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का टाइम हमारे पास, काउंट करो, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई पूरा, अगस्त तो एक ही है तो टोटल हो गया आपके पास 4 मंथ्स। सॉल्व करो उसको कितना आ जाएगा, ये करेंगे सॉल्व, 4 से 3 से कट किया 2 टाइम्स, ये 2,0 से 2,0 कट हो गया, 5,600 × 2। तो 5,600 × 2 को हम करेंगे तो 5,000 × 2 = 10,000, 600 × 2 = 1,200, 10,000 और 1,200 = 11,000
टू। क्लियर। अब उसकी कैपिटल कितनी होगी गिरीश की? 5 लाख। रेट होगी 6%। अब ये कितने मंथ रहेगी वो देखिए, ये रहेगी फर्स्ट ऑफ अगस्त टू ईयर एंड तक। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 14। 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 4 महीने का आपने निकाल लिया, बचे कितने महीने? 8 महीने। एट अपॉन 12 सॉल्व करो, 6 से 2 टाइम्स 2 से 4 टाइम्स 2 0 से 2 0, 5000 × 4 20,000। तो गिरीश का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 31,200। गिरीश का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 31,200। इसी तरह से सतीश का निकालते हैं, सेम रहेगा। सतीश की कैपिटल कितनी है? 4,75,000। वही 6%, सेम टाइम पीरियड है, तो वही कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6। ये हमारे पास 4,750। 4,500 × 4,500 = 9,000, 250, 250, 500, 9,000 और 500, ये हो गया 9,500। सतीश की कैपिटल की बाद में कितनी हो गई? 5 लाख का 6%, वही 8 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? सेम जितना ऊपर था उतना हो जाएगा, 20,000। टोटल हो गया 29,500। देखिए क्लियर है। तो इस हिसाब से गिरीश की टोटल इंटरेस्ट जो आया 31,200, सतीश का आया 29,500। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, हमें फर्स्ट अप्रैल 13 को कैपिटल कितनी दे रखी है? 5 लाख 4 लाख एंड 3 लाख। क्लियर। फर्स्ट जुलाई 13 को उन्होंने क्या किया है? 1 लाख रुपीज, 80,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज एज एन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट फरवरी 14 को वाई ने अपनी कैपिटल में से 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 8%। 31 मार्च 14 को हमको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, हमसे कह रहा है कि फर्स्ट अप्रैल 13 को, इस डेट को फर्स्ट अप्रैल 13 को हमें उनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख 4 लाख एंड 3 लाख। हमें कैपिटल दी हुई है फर्स्ट जुलाई 13 को। एक्स ने भी क्या किया? एक्स ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया? 1 लाख। वाई ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया? 80,000। और जेड ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया? 50,000। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फर्स्ट फरवरी 14 को एक्स ने कुछ नहीं किया, वाई ने क्या किया? अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉल कर लिया और इसने विड्रॉल कितना कर लिया? 15,000। जेड ने भी कुछ नहीं किया इसने। इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? 8%। ये आपको हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। एक्स की सबसे पहले कैपिटल कितनी है बेटा? 5 लाख, रेट 8%। और ये 5 लाख कितने मंथ रही? 1 अप्रैल से 1 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई फर्स्ट इसमें कोई आएगा नहीं। 1 अप्रैल से 1 जुलाई का मतलब है 3 upon 12। सॉल्व करेंगे, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, कैंसिल किया, ये आ गया 10,000। अब वाई की फिर क्या होगी? एक्स की फिर क्या होगी? एक्स ने 1 लाख रुपए एडिशनल इंट्रोड्यूस किए हैं, 5 लाख पहले ही थे, 1 लाख और लगा दिए, तो अब कैपिटल होगी एक्स की 6 लाख। रेट सेम है 8%। अभी कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि एक्स ने बाद में कुछ भी नहीं किया। एक्स का हो गया ये 9 upon 12। सॉल्व करें इसको, 4 × 2 = 12,
फोर थ्री से 12, थ्री थ्री से 9, कैंसिल, ये हो गया 3 × 6, 6 × 36,000। तो x का टोटल इंटरेस्ट टू कैपिटल कितना आ जाएगा 46,000। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई केवल x की, अब हम बात करते हैं y की। y की अपनी कितनी थी स्टार्टिंग में? 4 लाख, रेट 8%, और कितने मंथ के लिए भाई? 3 मंथ के लिए कितना आ जाएगा ये? 4 × 2 = 8,000। उसके बाद y ने क्या किया था? 80,000 इंट्रोड्यूस किया था। y की कैपिटल हो गई है 4 लाख, 80,000, 8%, कितने मंथ के लिए? अब देखो y का ये 1 जुलाई से केवल 1 फरवरी तक रहा है, काउंट करो, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 7 मंथ्स, 7/12, 20 से 20 कैंसिल कर दिया हमने, 12 से कट जाएगा, 12, 4 × 48, 400, सॉल्व करो, 8 × 7 = 56, 56 × 400, 22,400। अब एच निकाल दिया है वापस, 480 हो गई थी, उसमें 15 निकाल ली, 15,000 रुपये, 4,80,000 में से 15,000 निकाले, कैपिटल कितनी लगी? 4,65,000, रेट वही 8%, और टाइम पीरियड देख लेते हैं, फर्स्ट फरवरी से 31 मार्च, फरवरी और मार्च, 2 मंथ्स, 2 upon 12, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से 6 times कैंसिल हो गया, 6 से ये हो रहा है क्या, धीरे धीरे एक बार, 4, 6, 5, 0, 4, 6, 7, 7, 7, 5, 8, 8, 5, 40, 8, 7, 56, 46, 0, 8, 7, 56, 62, तो यह आ जाएगा 6,200, टोटल हो गया 600, 36,600। तो वाई का टोटल इंटरेस्ट में कैपिटल कितना आ गया बेटा? 36,600। हम बात करते हैं जेड की, जेड की स्टार्टिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख, रेट 8%, शुरू में वही 3 महीने के लिए, 3/12, ये हो गया 6,000, जेड ने 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया, जेड की कैपिटल होगी 3,50,000, 8%, और ये होगा 9 मंथ्स के लिए, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 3,500 × 6 = 21,000, ये आ गया 21,000, टोटल हो गया 27,000। तो जितनी बार हमने कैपिटल चेंज हुई उतनी बार हमने अलग अलग तरीके से मंथ को देखते हुए इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन देखो बोर्ड पे क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, 31 मार्च 2006, आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें कैपिटल दे रखी है किस चीज़ की? माउंटेन की,
हिल की एंड रॉक की कितनी है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। बाद में पता लगा कि हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से देना भूल गए थे। प्रॉफिट हुआ है फर्म को 1,50,000 एंड उनकी ड्राइंग दे रखी है हमें माउंटेन की 20,000, हिल की 15,000 एंड रॉक की 10,000। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अभी तक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक चीज तो आप ये बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे कि क्वेश्चन में हमें कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। दूसरी बात, एक क्लियर दिया हुआ है कि ये जो कैपिटल दे रखी है आफ्टर क्लोज द अकाउंट्स है, अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद। देखिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पार्टनर है 3, माउंटेन, हिल एंड रॉक। हमें इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, जो कि माउंटेन की कितनी है 4 लाख, हिल की 3 लाख और रॉक की है 2 लाख। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया था, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, ड्राइंग भी दे रखा है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैं लिख भी देता हूँ प्रॉफिट, हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा 1,50,000। अब चूंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होगा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मतलब 50,000 मिले होंगे माउंटेन को, 50 ही मिले होंगे हिल को और 50 ही मिले होंगे रॉक को। हमें इनकी ड्रॉइंग्स दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर, जो है माउंटेन की 20,000, हिल की 15,000 और रॉक की कितनी है, रॉक की है 10,000। क्लियर? अब आपको जब हमने कल पिछले वीडियो में एक बात कही थी, तब हमने क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। किस पर निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। तो इसी के हिसाब से अगर हम बात करें माउंटेन की ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख, ड्रॉइंग 20,000, नेट प्रॉफिट 50,000, जो कि हो गया 3,70,000। और अगर हम इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या दे रही है हमें 10% पर एनम, तो इसका हम 10% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 37,000। क्या इस तरह से हम बात करें किसकी, हिल की, तो हिल के लिए कैसे हो जाएगा, 3 लाख प्लस ड्रॉइंग है 15,000 माइनस प्रॉफिट 50,000। सॉल्व करो इसको, 3 लाख और 50,000 से 2,50,000 और 15,65,000, 2 लाख 65,000। इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 26,500। रॉक की हमारे पास कैपिटल दे रखी है 2 लाख प्लस ड्रॉइंग 10,000 माइनस 50,000, जो हो जाएगा 1,60,000। उसका 10% निकालेंगे, वो हो जाएगा 16,000। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। हमसे इंटरेस्ट में पूछिए, जो हमारे आ गई माउंटेन की आ गई 37,000, हिल की आ गई 26,500 और रॉक की आ गई 16,000। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर है, 1 अप्रैल 2013 को हमें उनकी कैपिटल दे रखी है वो कितनी है, सॉरी ए और बी दो पार्टनर है, 3 नहीं है, दो पार्टनर है और उनकी हमें 1 अप्रैल 2013 को कैपिटल दे रखी है 2,10,000 और 90,000 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है वो है 2:1। 1 अगस्त 2013 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो टोटल कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी जाएगी और उसके लिए कैपिटल अकाउंट में जो भी है वो कैश को लाकर या कैश को निकाल कर एडजस्टमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट 12% पर है ना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सिंपल है,
ए और बी दो पार्टनर है, कितने पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, हमें उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 13 को, जो कि है 210,000 एंड 90,000। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है जो है 2:1। अब इनकी टोटल कैपिटल कितनी है, 3,02,10,000। अगर इस 3 लाख को इनके हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करें, क्या करें हम 3 लाख को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो कह रहा है हमसे 1 अगस्त 13 को, कितना हो जाएगा 3,02,3 जो कि हो जाएगा 2 लाख, और ये हो जाएगा 3,01,3 जो कि हो जाएगा 1 लाख। तो 1 अगस्त 13 को इनकी कैपिटल हो जाएगी 2 लाख और बी की हो जाएगी 1 लाख। तो ए तो क्या करेगा 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा और बी क्या करेगा 10,000 रुपये और इंट्रोड्यूस कर देगा। हमसे क्या पूछा है इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 12% पर एनम। चलिए निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखते हैं इसके अंदर बेटा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसकी, ए की कैपिटल है 2,10,000, 12% की रेट कितने महीने, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त 4 मंथ्स, कितने मंथ्स 4 मंथ्स, 12 से 12 पेंसिल 2 0 से 2 0 पेंसिल 21 4 जा 84 2 0 84 100। अब कैपिटल होगी इसकी 2 लाख, रेट वही 12%, कितने मंथ के लिए, 8 मंथ्स के लिए, 8 upon 12, 12 से 12 पेंसिल 2 0 से 2 0 8 2 जा 16 और 8 24,400। ये आ गया हमारे पास ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,400। अब हम बात करें बी की, बी कैपिटल पहले 90,000, रेट 12% मंथ 4 मंथ्स कैंसिल 3,600। अब हो गई इसी कैपिटल 1 लाख, 12% की रेट 8 मंथ्स के लिए, 12 से 2 0 से 2 0 ये हो गया 8,000 और 11,600। क्लियर, ठीक है। तो अब हमें बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये बात, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास जो भी कंटेंट, आपको जहाँ से जो भी मटेरियल मिलता है वो आप लें, अपने सॉल्व करें। जल्दी ही मैं आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करवाऊँगा इनकी, जिसे आप सॉल्व करके मुझे भेज भी पाएंगे, ठीक है। मुझसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखकर हमें भेज दें, ताकि मैं आपके लिए आपको हमारे कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकूँ। वहाँ पर आपको डेली नए नए क्वेश्चन मिलते हैं जिनके लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला वीडियो में लेकर आऊँगा जिसके अंदर हमारा अगला टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थैंक यू।